हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच पेनी स्टॉक के ऊपर जिसका कि वैल्यू 30 रुपीज से भी कम का है। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी लेवल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इन्फीबीम। इन्फीबीम में अगर देखेंगे तो एक अच्छा तेजी हम लोगों को प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। सबसे पहले डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज था, इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। क्लियरली यहाँ पे स्टॉक आपको रिट्रेसमेंट कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा तेजी हुआ। वापस से 2 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे स्टॉक ने हॉल्ट किया, लेकिन आज के सेशन में अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में अभी और भी तेजी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हम लोगों ने वीकली बेसिस पे इस स्टॉक को एनालिसिस किया था। यहाँ पे 20 रुपीज के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। तो क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 2022 से ही स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इससे पहले भी हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल चुका था। क्लियरली यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को 16 रुपीज के लेवल पे देखने को मिला था। 2 ईयर्स के बाद इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखेंगे डेली चार्ट काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, वीकली चार्ट पे भी स्टॉक जो है काफी स्ट्रांग है। ऊपर की साइड में इमीडिएट 25 और उसके ऊपर 30 तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग अगर स्विच करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट में आपको स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अभी ये रिवर्सल पैटर्न जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिला, फॉल के बाद अब जो है स्टॉक यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम बाउंस किया, वापस से स्टॉक यहाँ पे फॉल किया। यहाँ पे जो लो बना है, ये जो लो है ये पूरा लो आपको इस लो के ऊपर है, तो एक हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी अक्टूबर मंथ का मंथली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे और भी तेजी आपको देखने को मिल सकता है। मंथली बेसिस पे भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक में अगर बात करेंगे तो इमीडिएटली 30 रुपीज का लेवल देखने को मिल सकता है। और एक बार स्टॉक 30 रुपीज के लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो फिर स्टॉक में आपको 100% का अपमूव देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है यहाँ पे 60 रुपीज के लेवल तक ऊपर की साइड में मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और अगर ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है तो यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी गिरावट में पैनिक नहीं होना है जब तक कि स्टॉक नीचे की साइड में 12 रुपीज 50 पैसे के नीचे एटलीस्ट वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है। जब तक ये लो ब्रेकडाउन नहीं होता है वीकली बेसिस पे, आप यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है उदयपुर सीमेंट। उदयपुर सीमेंट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ये जो उदयपुर सीमेंट है ये आपको जेके लक्ष्मी ग्रुप का है। सीमेंट जेके लक्ष्मी सीमेंट का 70% से ज्यादा का होल्डिंग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो प्रमोटर जो है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को रेंज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक 30 to 35 के रेंज में प्रीवियस 2 मंथ से ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इस स्टॉक के वीकली चार्ट पे बात करेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 32 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद से स्टॉक जो है प्रीवियस 2 मंथ से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 रुपीज से 32 रुपीज 50 पैसे का जो रेंज है ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। स्टॉक यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्राई किया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो अगर स्टॉक यहाँ पे ऊपर की साइड में वापस से 35 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, बेस्ट बाइंग होगा 35 के लेवल के ऊपर। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप करेंट लेवल पे भी यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप क्वांटिटी को प्लान कर रहे हैं
तो यहाँ पे 5, 10, 20 क्वांटिटी को ही आपको प्लान करना है। रेस्ट जो है एग्रेसिव बाइंग आपको 35 के लेवल के ऊपर करना है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के शेयर में लगातार तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आपको स्लो मूविंग स्टॉक है, ज्यादा एग्रेसिवली इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को नहीं मिलता है, बट स्लो एंड स्टडी स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न प्रीवियस वन ईयर में बना के दिया है और अभी इस स्टॉक में और भी ज्यादा रिटर्न बन सकता है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव के बाद स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक कर रहा है। वापस से एक अच्छा अपमूव आपको देखने को मिलेगा जब स्टॉक 27.50 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। क्लियरली पैटर्न यहाँ पे जो है एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न जो है स्टॉक डेली चार्ट में आपको फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छे अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो वीकली चार्ट भी जो है स्टॉक का काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे होने जा रहा है। जब स्टॉक यहाँ पे 35 रुपीज के लेवल पे कंप्लीट कर देगा ये, उसके बाद एक अच्छा अगर 35 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो उसके बाद स्टॉक में 25-30 पॉइंट का एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा है और इस स्टॉक को हम लोग लगातार 15 रुपीज के लेवल से ही कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो है ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक में जो है एक जोरदार तेजी हम लोगों को वापस से देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न है। अभी स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी 35 के लेवल तक मूव करेगा और एक बार इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर स्टॉक में शानदार तेजी हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पे जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, 35 के लेवल के ऊपर टारगेट हो जाएगा आपको ये डेप्थ, और ये डेप्थ जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मोर देन 26-27 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में अगर उतने को ही हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 60-65 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है राशि इलेक्ट्रोड। राशि इलेक्ट्रोड के शेयर में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन जो है आपको मंथली चार्ट में देखने को मिलेगा। स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा तेजी दिया था 2014 में, उसके बाद स्टॉक में शानदार गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिला और उसके बाद से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद स्टॉक में जो है अब स्लो एंड स्टडी हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, बट अभी भी स्टॉक जो है 25 रुपीज के लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक 25 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, वीकली बेसिस पे एटलीस्ट जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो फिर इस स्टॉक में जो है आपको वापस से एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलेगा और स्टॉक जो है वापस से 100 रुपीज की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को जो है यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस मंथ इस वीक में अगर स्टॉक 25 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है आपको यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है एसआर शिपिंग। इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था वीकली बेसिस पे जब ब्रेकआउट हुआ था, ट्विटर हैंडल पे भी हम लोगों ने इस चीज को अपडेट किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था और इस वीक में अगर देखेंगे तो सेम ब्रेकआउट का जो है यहाँ पे कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे स्टॉक 2018 के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था, 5 ईयर का ब्रेकआउट दिख रहा है और ये सीधा आपको अब कंप्लीट करने जा रहा है अपने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न को। एक अच्छा बेस का फॉर्मेशन हो चुका है, ऊपर की साइड में स्टॉक 35 के लेवल के साइड निकल सकता है तो यहाँ से स्टॉक जो है डबल हो सकता है, ऑलमोस्ट 100% का यहां पे गेन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मंथली चार्ट पे भी क्लियरली हम लोगों को सेम रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पे अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है तो इस स्टॉक को करंट लेवल पे आप जरूर बाई कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो आप करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है
₹12.50 के नीचे, ₹12.50 के नीचे आपको अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। ऊपर की साइड में जो है 35-36 ये आपका टारगेट होगा। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।